हेलो फ्रेंड्स, मैं रहन सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट। आज बात करूंगा इन चार पॉइंट के बारे में, जैसे कि एल्बो में स्टिफनेस का आना। ठीक है, तो ये क्यों आती है? नंबर दो, स्टिफनेस आती है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? नंबर तीन, स्टिफनेस आते समय हमको क्या क्या करना चाहिए इससे स्टिफनेस ठीक हो सकती है? और नंबर चार, कब हमको फिजियोथेरेपी करानी चाहिए? तो इन चीज़ों पर मैं बात करूँगा, तो इसको पूरा वीडियो को देखते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक्सरसाइजेस भी बताऊंगा कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड, नंबर वन, एल्बो में स्टिफनेस कब आती है? तो फ्रेंड्स, एल्बो में स्टिफनेस जब आती है जब कोई हमारे जो है ट्रामेटिक यानी कि आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ हो, या फिर इसके अलावा हमारे हाथ में किसी भी तरह से फ्रैक्चर हुआ हो, या हमारा हाथ का मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ हो कोहनी का। एक तो ये होता है। नंबर दूसरा, हमको क्या करना चाहिए यानी कि हमको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए इसमें। नंबर दो, कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, हमको अगर एल्बो बेंड नहीं हो रही, मुड़ नहीं रही है, तो उसमें होती हैं एल्बो फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस। ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। ठीक है, अगर एल्बो सीधी नहीं हो रही है तो उसमें हमको एक्सटेंशन वाली एक्सरसाइज करनी पड़ती है, यानी हाथ को सीधा मोड़ने वाली। ये टेबल पर रख के की जाती हैं और एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा आप करा सकते हैं। नंबर तीन, हमको क्या करना चाहिए जिससे कि हम इस समस्या से बच सकें। देखिए, हमारी एल्बो में अगर कोई स्टिफनेस आती है तो सबसे पहले वो जब भी आती है हम कोई मूवमेंट नहीं करते हैं। अब मूवमेंट हमने जानबूझ के रोका हो या फिर किसी वजह से हमने किया ना हो, जैसे कि हमारे कोई फ्रैक्चर हुआ था तो डॉक्टर ने हमको प्लास्टर लगाया, तो प्लास्टर के दौरान तो हम हाथ को चला नहीं सकते, बैंड नहीं कर सकते अगर हमारे एल्बो में प्लास्टर लगाया, इस करके हमको जो है आर्म स्लिंग लगा दी थी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, उस दौरान मसल्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हाथ ज़्यादातर जाम हो जाते हैं, कुछ लोगों के नहीं भी होते हैं, तो उसमें हमको मांसपेशियों की एक्सरसाइज करनी, हम यही कर सकते हैं, लेकिन अगर जाम होना है तो वो के ही रहेगा। अब हमको नंबर चार, हमको फिजियोथेरेपी कब करानी चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, हमारे जब हाथ जाम हो जाता है, प्लास्टर कट जाता है, प्लास्टर कटने के बाद या फिर रॉड पड़ने के बाद हम कई दिन चलाते नहीं हैं, तो हमारा हाथ जो है जाम हो जाता है, तो जाम हो जाता है, उसमें दर्द बन जाता है, जकड़न भी बन जाती है। किसी किसी को दर्द होता भी है, किसी को नहीं भी होता है, लेकिन हाँ, किसी को एक्सरसाइजेस कराते समय दर्द हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हमारी अगर एल्बो बैंड, मान लीजिए थोड़ी बैंड है, ना सीधी हो रही है ना मुड़ रही है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, हमको फिजियोथेरेपी की आवश्यकता जब पड़ती है, वैसे तो हम कभी भी फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं फ्रैक्चर के बाद जब हमारी रिकवरी स्टेज होती है, लेकिन हमारी जब जकड़न आ जाती है तो हमको एक्सरे के अनुसार बोन हमारी कितनी जुड़ी है, अगर प्लास्टर चढ़वाया था या हमारी कोई प्लेट या फिर रॉड डाली गई अंदर से या स्क्रू कोई, तो उसके हिसाब से देख के जो है नी को बेंड किया जाता है। तो इसमें एल्बो बेंडिंग है और जो है आपका एक्सटेंशन और फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस और सुपाइनेशन प्रोनेशन, ये जो एक्सरसाइजेस इसमें होती हैं करी जाती हैं, एक टेबल पर रख के की जाती हैं या फिर जो है प्लेन सरफेस पर रख के, जो कि एंगल इसका बना रहा है, और फिर वहाँ पर जो है हल्का सा फोर्स लगा लगा के एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं। हमको फिजियोथेरेपी इस स्टेज पे करानी चाहिए अगर हमारे प्लास्टर कट गया है और हमको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है फिजियोथेरेपी के लिए, और मे भी अगर नहीं किया तब भी आप डायरेक्ट जो फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं कि मुझको अब क्या कराना चाहिए, मेरे हाथ में दर्द है, सूजन है, जकड़न है, इन सब के लिए आपको बेहतर विकल्प होगा कि आप फिजियोथेरेपी करवाएं। और कुछ दिन तक ये समस्या रहती है, महीने, डेढ़ महीने, दो महीने, हो सकता है आपको फिजियोथेरेपी करानी पड़ जाए, लेकिन प्रॉब्लम आपकी फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए बना रखे हैं, आप जाके आई बटन पे देखिएगा। मैं रहन सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट, मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो के साथ में। मुझसे आप जुड़ना चाहते तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना रखिए ख्याल।